नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारे यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उनको समाप्त हुए टाइम हो चुका है। तो यूपी बोर्ड के रिजल्ट से रिलेटेड एक अपडेट निकल के सामने आई है। क्लास 10th क्लास 12th दोनों के जो जो रिजल्ट है उससे रिलेटेड एक अपडेट निकल के आ रही है। ठीक है, तो पहले अपडेट को देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सभी छात्र छात्राओं से एक रिक्वेस्ट है कि जो जितने भी छात्र छात्रा हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। अगर आपका कोई भाई कोई दोस्त अगर क्लास 10th या क्लास 12th के इस बार यूपी बोर्ड से एग्जाम दे के आया है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ये वीडियो शेयर करें। तो ये आर्टिकल है न्यूज़पेपर, एक न्यूज़ में ये खबर निकली है जिसमें लिखा है कि यूपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2023 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 12 से 15 दिनों में पूरा कर लिया जाए। ऐसे माना जा रहा है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी हो सकता है। लिखा है कि यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक चली है। ऐसे में जब अब छात्र छात्राओं को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच खबर है कि यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर के करीब 257 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार 10वीं 12वीं की 3.19 करोड़ आंसर सीट्स को 1,43,933 शिक्षक चेक करेंगे। देखो आपकी जो कॉपीज हैं ठीक है वो 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी चेक होना। ठीक है, मतलब यानी कि आज हमारी जो तारीख है वो 11 तारीख है। ठीक है, 18 तारीख से आपकी जो कॉपीज है वो स्टार्ट हो जाएंगी चेक होना। ठीक है, लिखा है कब आएगा रिजल्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपीएसएमपी यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से मूल्यांकन की प्रक्रिया 12 से 15 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। मूल्यांकन के लिए ऑडियो ऑडियो विजुअल की मदद से टीचर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। गौरतलब है कि पिछले साल मूल्यांकन प्रक्रिया 23 अप्रैल को शुरू होकर 5 मई तक चली थी, जिसके बाद 18 जून के यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका जो रिजल्ट की जो डेट है ठीक है वो न्यूज के अकॉर्डिंग बताई जा रही है कि अप्रैल के लास्ट लास्ट अप्रैल तक आपके 10वीं और 12वीं के जो यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर रिजल्ट से रिलेटेड और कोई भी अपडेट आती है वो भी मैं आप सब तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।